नाबालिग से रेप के केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है। फैसले के तुरंत बाद राम रहीम को हिरासत में लेकर अंबाला सेंट्रल जेल ले जाया गया। सजा पर फैसला 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई जा सकती है। फैसला आने के बाद से पंचकुला में हिंसा शुरू हो गई है और पंजाब के फिरोजपुर में कर्फ्यू लगने की खबर आ रही है। राम रहीम को दोषी करार देते ही उनके समर्थक बेकाबू हो गए हैं। साथ ही गुरमीत राम रहीम के समर्थकों और पुलिस के बीच भी झड़पों की खबरें आ रही हैं। डेरा समर्थकों द्वारा मीडिया पर भी हमले की खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की जनता से शांति की अपील की है। मेरी आज पंजाब को बेनती है कि सारे अपने माहौल ठीक रखें, शांति इतने बरकरार रखिए। साड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस सारिया इतने छाइया हुई ने पंजाब दे विच, पंजाब पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज का भी प्रबंध साढ़े को है अगर लोड़ पवे। लेकिन आप जी चीज़ नहीं चाहते और असी चाहते ये है कि पंजाब दे विच शांति रवे और इतने कोई खून खराबा ना होए। और मेरी आज बेनती है कि इस गल नूं तुसी बरकरार रखो।